बुर्किनी यानी इस्लामिक स्विम सूट पर रोक को फ्रांस की उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अदालत ने विल्नव लूबे शहर में बुर्किनी पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। इससे बाकी शहरों से भी इस पर प्रतिबंध हट सकता है। आपको बता दें कि नीस में बीच पर एक मुस्लिम महिला की बुर्किनी जबरदस्ती उतारे जाने के बाद जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, विल्नव लूबे में बुर्किनी पर लगी रोक व्यक्तिगत आजादी, विचारों की स्वतंत्रता और बेरोक टोक आने और जाने के अधिकार का गंभीर और साफ तौर पर गैर कानूनी उल्लंघन है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसके बाद फ्रांस के करीब 30 शहरों में रोक हटाई जाएगी, लेकिन कॉर्सिका शहर के मेयर ने रोक को जारी रखने की घोषणा की है। हालांकि बुर्किनी पर रोक को लेकर बाकी कानूनी पहलुओं पर अदालत अंतिम फैसला बाद में सुनाएगी। अदालत के बाहर अपील करने वाले संगठनों के एक वकील ने कहा कि जिन मुस्लिम महिलाओं पर बुर्किनी पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया, वो जुर्माने की राशि वापस पाने के लिए दावा कर सकती हैं। जर्मनी के ल्यूकेनवाल्दे शहर के मेयर ने हिजाब पहनने के कारण एक इंटर्न की नौकरी के पहले दिन ही छुट्टी कर दी। 48 साल की इंटर्न फिलिस्तीनी शरणार्थी थी। आपको बता दें कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी ने भी बुर्किनी के बैन का समर्थन किया था। किसी के पहनावे को कैसे खतरनाक ठहराया जा सकता है? बुर्किनी पर बैन और फिर कोर्ट से बैन हटाने के फैसले ने फ्रांस में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।